नमस्कार, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आज हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द फॉलोइंग रेट ऑफ एक्सप्रेशन। फर्स्ट ए रेट इक्वल टू के ए टू द पावर 3/2 इंटू बी टू द पावर 1/2। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के पावर का सम होता है, तो यहाँ पर ए रिएक्टेंट की पावर 3/2 है, बी रिएक्टेंट की पावर 1/2 है, दोनों का हम सम करेंगे तो दोनों का सम करने पर जो आंसर आएगा वो 2। इसका मतलब ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुई। फिर एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं, रेट इक्वल टू के ए टू दी पावर 1 इंटू बी टू दी पावर हाफ। यहाँ भी दोनों का हम सम करेंगे 1 + 1/2, तो आंसर होगा 1 × 1/2, तो इसका आंसर होगा 1.5, यानी ये फ्रैक्शन में होगा, तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल आप देख रहे हैं कि रेट इक्वल टू के ए की पावर है 3/2 और बी की पावर माइनस में है 1/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही सम, दोनों का सम करेंगे 3/2 + −1/2, तो यहाँ पर ऑर्डर जो है उसका क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर आपको आंसर आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि वैल्यू दी है और उसकी यूनिट है तो हमको कैसे उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की के लिए के की यूनिट को कैलकुलेट किया था, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें जो फर्स्ट जो दिया है के इक्वल टू 2.3 × 10⁻⁶ लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट थी, इसलिए ये रिएक्शन यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की होगी। इसी प्रकार से एक और प्रॉब्लम देखिए, के इक्वल टू 1.2 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट है, इसलिए जो रिएक्शन होगी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो आपको ऐसे वैल्यू देख करके रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट ऑर्डर होगी, जीरो ऑर्डर होगी, सेकंड ऑर्डर होगी, ये हम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। थैंक यू।